नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सवित और आप देख रहे हैं तेज नगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरोज बाला, महामंत्री नंद नगरी मंडल से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार। MCD इलेक्शन में हम पास में हैं, हालांकि अभी डेट टल चुकी हैं, लेकिन तैयारियां रुकी नहीं हैं। आपकी क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, हमारी जो तैयारी है वो जोरों शोरों से चल रही है, और ये तैयारी अभी से नहीं चल रही है, तैयारी हमारी बहुत टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि हमें अपनी भाजपा को दिल्ली के अंदर लेकर आना है। केजरीवाल जी ने जो घोटाले किए हैं, केजरीवाल जी ने जो लोगों के साथ धोखा किया, जनता के साथ जो धोखा किया है, उस धोखे को यहाँ से हटाना है, भाजपा को लेकर आना है। नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुँचानी है, जो केजरीवाल जी ने अभी तक नहीं पहुँचाई हैं। हाँ जी, जो हमारी भाजपा ने जो योजनाएँ दी हैं वो सारी हमने दे रखी हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक योजना है बहुत बड़ी, उस पर मैं काम कर रही हूँ, उसकी मैं मंडल संयोजक भी हूँ। मैम, अपने अपने स्तर पर सारे लोग काम करते हैं, जितने उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे हैं सब ने काम किए, जमीनी स्तर पर आपने ऐसे क्या काम किए कि संगठन सिर्फ आपको ही टिकट दे, पार्टी सिर्फ आपको चुने? जमीनी स्तर पर मैंने बहुत काम किए हैं, जैसे कि पहले बहुत लोग परेशान थे, लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती थी इस बात की कि पार्कों में जो बंजर पड़े रहा करते थे, पेड़ पौधे नहीं थे, उसमें पेड़ पौधे लगवाए, कहीं पर नालियों की परेशानी है, नाली टूटी हुई है, खरंजे टूटे हुए हैं, बाहर सड़कें टूटी हुई हैं, तो उनको अपने लेवल पे मैंने वो काम करवाए हैं, उनको सुधार करवाया। जनता की सुनी है, जनता मेरे पास आती है, गैस सिलेंडर हैं वो वितरण कराए, और अपनी तरफ से मैं कुछ ना कुछ, कोरोना काल के अंदर मैंने बहुत मदद की, अपने ही जेब से मैंने खर्चा किया, लोगों को राशन वितरण किट बना के मैंने लोगों को राशन वितरण किया, और घर 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 जाकर मैंने वैक्सीनेशन करवाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, और लोगों को अपने ई रिक्शा में बिठा के मैं हॉस्पिटल ले जाकर वहाँ पर उनके वैक्सीनेशन कराती थी। मैंने बहुत काम किया है जनता के लिए, मतलब कोई गिनती नहीं है कि मैं क्या क्या बताऊँ। मैंने इतने सालों में जमीनी स्तर पर रह के महिलाओं के साथ, जनता के साथ, लोगों के साथ मिल के घर घर जाकर उनके हालचाल पूछती हूँ। कोरोना काल में भी जब लोग परेशान थे, लोगों को किसी को कोरोना हो गया, तो उनके घर जाकर मैं पूछती थी, मैंने अपनी चिंता नहीं की, मैंने पूछा जाकर क्या आपको कोई परेशानी है तो बताइए, जो उनको परेशानी होती थी वो मैं हल करती थी। आपको लगता है कि पार्टी इस बार आपको, संगठन आपको इस बार टिकट दे रही है? टिकट की तो ऐसी बात है कि मैंने जितनी मेहनत की है उस मेहनत को संगठन देख रहा है, और संगठन बिल्कुल न्याय करेगा, संगठन अन्याय नहीं करता, संगठन वो देख रहा है कि सरोज बाला अपने कॉलोनी के अंदर, अपने वार्ड में जमीनी स्तर पर बहुत कार्य कर रही है, और वो मेरे साथ जरूर मेरा साथ देंगे। अच्छा, ये संगठन की बात होगी, जनता का क्या रुझान है? अगर जब आप जनसंपर्क करते होंगे तो लगता है कि जो आपकी वार्ड की जनता है वो आपका सपोर्ट कर रही है, उनका रुझान आपकी तरफ है? देखिए, मैं जब जनता में जाती हूँ ना, तो ऊपर वाले की माँ भगवती की इतनी कृपा है कि जनता मुझसे खुद कहती है कि दीदी आप टिकट लेकर आओ, दीदी आप हमारे लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि हमें पहले कोई सुविधा नहीं मिली, हमारी कोई सुनता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप जब आओगे तो आपकी जो सेवा है हमने देखी है, आप वैसे ही बिना पार्षद के बने, बिना किसी उसके लिए आप इतनी सेवा करते हो, तो जब आपको कोई जिम्मेवारी संगठन देता है, पार्टी आपकी देती है, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको जिता कर लेकर आएंगे। महिलाओं का रुझान क्या है? आप एक महिला हैं, तो महिला आपके साथ कितने जोर शोर के साथ खड़ी हैं? देखिए, मैं एक तो जागरण चौकियां करती हूँ, जिससे कि महिलाएं मेरे साथ बहुत जुड़ी हुई हैं, घर घर की महिलाएं, मेरे नगरी वार्ड की एक एक महिला मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार है उनका, क्योंकि जिधर से भी मैं निकल जाती हूँ वहाँ पर महिलाएं मुझसे, मैं जब जाती हूँ तो हाय हेलो, कई बार ऐसा होता है कि एक को मैं नमस्ते कर रही हूँ तो दूसरी अपने यहाँ भी तीन चार मेरे साथ इकट्ठी खड़ी हो जाती है, यानी कि मैं गली गली में, घर घर में माता रानी की कृपा है कि वो मुझसे इतना जुड़ी हुई है। अच्छा, इलेक्शन कब करवा रहे हैं आप, MCD इलेक्शन? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है कि भाजपा डर गई है और भाजपा ने ही इलेक्शन को टाला है, तो आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं? BJP से आप संबंध रखती हैं, क्यों टलवा दिए इलेक्शन? देखिए, टलवाए नहीं है, ये तो विपक्षी जो पार्टियाँ होती हैं तो कीचड़ उछालती हैं, भाजपा के जो कार्य हैं, भाजपा के जो देश हित में, जनता के हित में जो कार्य हैं वो उनको दिखाई नहीं देते, ना ही कभी इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, बस ये दिखाई देता है
कि भाजपा को किसी तरीके से नेगेटिव करो और जनता के बीच में उनको। हाँ जी, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, विज्ञापन लग रहा है, भाजपा डर गई, भाजपा डर गई, आपके घर के बाहर निकलो तो भी पोस्टर लग रहे हैं, तो क्या सच में आप लोग डर गए हैं? नहीं नहीं, क्यों हम डरेंगे, क्यों इलेक्शन लड़ना है, फिर विरोध क्यों नहीं? नहीं विरोध हम क्यों, देखिए विरोध का मतलब होता है कि लड़ाई करना, क्यों हमारे किसी से कोई झगड़ा ही नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध कोई झगड़ा नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, हमारा जमीनी स्तर पे लोगों के लिए, हमारे लिए जो हमारे लोगों के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं कि इनको हमारी तरफ से जो भी सुविधाएं मिल सके हम सुविधा देंगे, जो भी सेवा है वो हम सेवा करेंगे, चाहे पार्टी का पार्टी के जरिए से करें, मैं आज तक करती आई हूँ सेवा। आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जैसे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से टकराई तो जीरो हो गई, आने वाले समय बीजेपी भी जीरो हो जाएगी, इस विषय में आप क्या कहेंगे, होने वाले जीरो के एमसीडी में इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी? देखिए अगर जीरो होने वाली बात होती ना तो चार राज्यों में जो एक प्रचंड जीत हुई है ये ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ऐसा बोलते हैं कि बीजेपी जीरो हो जाएगी। बीजेपी कभी जीरो नहीं हुई है, ना थी और ना कभी होगी। तो क्या लगता है इस बार आप लोग आ रहे हैं फिर से? बिल्कुल जोर शोर से आ रहे हैं, भाजपा आ रही है, भाजपा इतने जोर शोर से आ रही है, पूरी तैयारी कर रखी है हमने, और जनता हमारे हित में है, जनता हमारे साथ में है। जनता आपके हित में है आप बोल रही हैं, लेकिन जब सर्वे करते हो जनता बोलती है कि बीजेपी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार फैलाती है, अतिक्रमण करती है, टैक्स बहुत ज़्यादा लेती है, तो ये सवाल कहीं ना कहीं सर्वे में दौरान मिलते हैं, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे, सच में बीजेपी भ्रष्ट है और आम आदमी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक पार्टी उनकी तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि भ्रष्टाचार फैला रही है एमसीडी के अंदर? देखिए ये बातें पता है कौन कहते हैं, ये बातें विपक्षी लोग कहते हैं, ये बातें दूसरी पार्टियां कहती हैं, ये बातें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, आम जनता नहीं कहती, आम जनता की तो आंखें खुली हैं, टिकट किसी को भी मिले संगठन ये देखता है कि किसने अपने जमीनी स्तर पे लोगों में रहकर जनता में रहकर जो जनता की भलाई के लिए कार्य किया है, हमारा संगठन ये देखता है कि देश अपने जनता के हित में कितना कार्य किया है। तो जनता के हित में आपकी पार्षद ने काम नहीं किया था, अब पार्टी चेंज कर ली तो आपको क्या लगता है कहीं टिकट का जो बंटवारा है कहीं उनके पक्ष में ना चला जाए? देखिए हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है क्योंकि वो हमारी पार्टी में आ गई है, वो हमारी पार्टी नहीं रही, अब उनकी भी पार्टी हो गई है, संगठन की जो राय होगी, संगठन का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो। अच्छा एक सवाल और कि एकीकरण का जो मुद्दा सामने आया जिसकी वजह से चुनाव टले हैं, क्या एकीकरण होना ठीक है, निगमों का तीन निगम जो है उसका एक हो जाना ठीक है क्या? देखिए आपकी राय क्या है? जो मेरी अपनी राय तो देखिए वही है, जो हमारा संगठन तय कर लेता है ना वो सब कुछ ठीक ही होता है, वो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करते।